मैंने आज ये तो देख लिया, अगर आपके पास पैसा हो तो आप FIR भी बदल सकते हो। एलविश ने जो लोकेशन दी थी वो उसके घर की लोकेशन थी या फिर किसी के तो घर की लोकेशन थी, और मेरा इंस्टिंक्ट बोला कि मुझे उसे अपने लोकेशन पर बुलाना चाहिए जो एक पब्लिक लोकेशन हो। एक तो अटैक करना शुरू कर दिया, ऊपर से बहुत सारे बंदों के साथ आए, ऊपर से ये भी नहीं था कि वन ऑन वन फाइट हो, उसके साथ उसके कुछ बंदे थे वो भी मदद कर रहे थे उसकी। दरअसल मैक्सटन ने एल्विश और मुनव्वर फारूकी की ISPL 2024 मैच के दौरान हुई दोस्ती का मजाक उड़ाया था। फिलहाल एल्विश यादव ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं, और ये ट्रेंड किसी अच्छे काम की वजह से नहीं। एल्विश यादव एरोगेंट हो जाते हैं, मारपीट शुरू कर देते हैं। यहाँ पर सोशल मीडिया पर एक छोटी सी बहस होती है और उसका नतीजा ये कि घुसकर बुरी तरीके से सागर ठाकुर को मारा पीटा जाता है। इतनी बड़ी लड़ाई को देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि इसके एक दो दिन बाद हमको येगा। जो भी बात थी और जो भी हमारी लड़ाई बड़ाई हुई वो अब सारी भाई अपनी तरफ से क्लियर है। एक बार भाई तुम और बता दो क्या क्या सीन है। थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन था एल्विश और मैक्सटन के बीच में, जो भी हुआ वो ऊपर ऊपर से सबको बताया कि क्या हुआ, लेकिन उसके पीछे का जो रियल रीजन था ना, उसके पीछे जो रियल बंदा था, वो 99% ऑडियंस को आज भी नहीं पता कि कौन था। उस बंदे के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि इतनी बड़ी लड़ाई पुलिस चौकी तक बात चली गई थी तो वो एकदम से ऐसे एक मिनट में कैसे सोल्व होगी। देखो मैक्सटन ने एल्विश के खिलाफ कंप्लेंट कर दी थी, ये तो सबको पता है। इनफैक्ट मैक्सटन तो ये भी चाहता था कि पुलिस एल्विश के खिलाफ नॉन बेलेबल सेक्शन लगाए, और मैक्सटन ये भी चाहता था कि पुलिस उसे गिरफ्तार भी कर ले। जब FIR करने गए तो हमने पूरा बता दिया कि भाई ये सेक्शन लगाना है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, साफ साफ दिख रहा है। देखो जब ये कंट्रोवर्सी हाथ से बाहर जाने लगी ना, तब इस पूरी कंट्रोवर्सी में, इस पूरी लड़ाई में एंट्री हुई सोशल मीडिया के कैप्टन अमेरिका की, रजत दलाल। मेरी यही रिक्वेस्ट है एल्विश से कि वो एक बार घर आए और हमारे बड़ों के पीछे बात करे। भाई सब बोल रहे थे बैठ के कराओ कुछ सीन, तो तुम सब रील बनाओ, हम चीज नहीं पटवा देते हैं। अब ये ऐसा ट्विस्ट था ना जिसको हॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर और एक्टर भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे। अचानक से रजत दलाल की एंट्री होती है और सारा मामला रजत दलाल अपने हाथों में ले लेता है। उसके बाद मैक्सटन लाइव करता है, जिसके बाद वो एल्विश को अपने घर बुलाता है, एल्विश भी अपना रिप्लाई देता है। बाद में वो बताता है कि वो मैक्सटन से मिलने भी जा रहा है। बाद में वो दोनों लाइव भी आते हैं जिसमें वो एक दूसरे को सॉरी बोल देते हैं और एक दूसरे से वापस एक तरीके से दोस्ती कर लेते हैं। हमारे साथ मैक्सटन भाई के फादर साहब भी, हमारे अंकल जी भी हैं। अंकल जी कोई दिक्कत परेशानी कोई नहीं? नहीं, एल्विश से जो दिक्कत परेशानी था एल्विश भाई ने खुद खत्म कर दिया। सारे जने एक है, हम सारे भाई साथ में काम करेंगे, साथ में आगे बढ़ेंगे। जो भी था वो एल्विश ने खुद खत्म कर लिया है, अब कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं कि इस पूरे कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई कहां से और कौन वो बंदा था जिसने इस पूरी लड़ाई की शुरुआत की थी। तो एक बंदा है रैंडम सेना नाम से, जिसका कोई चेहरा नहीं था अभी तक, लेकिन अब तो उसका चेहरा सबके सामने आ चुका है। लेकिन अभी तक उसका कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ उसकी आवाज सुनाई देती थी, और कुछ टाइम पहले तक वो एल्विश का बहुत अच्छा दोस्त भी था। इनफैक्ट बिग बॉस OTT के टाइम पर भी उसने एल्विश को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। आपको ये फोटो तो याद होगी, एल्विश यादव और मुनव्वर फारूकी की, जब वो कोई चैरिटी मैच खेलने गए थे और उन्होंने साथ में ये फोटो क्लिक करवाई थी, जिसके बाद रैंडम सेना इंटरनेट पर आकर एल्विश के बारे में कुछ कुछ बोलने लगा, ट्विटर स्पेस में जाकर एल्विश यादव के परिवार के बारे में गालियां देने लगा और ये कहने लगा कि एल्विश यादव तो ये कहता था कि वो कट्टर हिंदू है, तो इस इंसान से गले क्यों मिल रहा है। मतलब उसने एक छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया और एल्विश के फैंस को उसके खिलाफ भड़काने की पूरी कोशिश की। लेकिन रैंडम सेना ने इस चीज को प्रिडिक्ट नहीं किया था कि अचानक से रजत दलाल भाई बैटमैन बनके, कैप्टन अमेरिका बनके इसके अंदर एंट्री मारेंगे और सारा मामला सॉर्ट कर देंगे। एल्विश और मैक्सटन फिर से एक हो जाएंगे और रैंडम सेना अकेला पड़ जाएगा। लीक हो गया, मेरा नंबर लीक हो गया, नंबर से बहुत कुछ निकल जाता है, फोटो लीक हो ही चुका है, सब कुछ हो ही गया है, मेरा स्कूल सब लीक हो ही चुका है। कभी भी अगर मेरी मृत्यु होती है, मेरी हत्या होती है, तो मेरे माँ बाप को संभाल लीजिएगा। देखो मैं खुद एल्विश का कोई खास बड़ा फैन नहीं हूँ। जैसे ये वीडियो लीक हुई था ना मैक्सटन वाली, मैंने इस पे एकदम से वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि ये सिर्फ एक साइड है, ये सिर्फ मैक्सटन का साइड है जो वो दिखा रहा है। अभी एल्विश के साइड की वेट करनी चाहिए ताकि पूरी पिक्चर को ये समझा जा सके कि असल में वहां पर हुआ क्या है। बाकी आप इस पूरी सिचुएशन के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताना। ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना यार।